निकासी अधिकारी पर सभासद दिनेश विश्वकर्मा करोड़ों के घोटाले का आरोप। मामले में डीओ लेटर भी शासन को भेजा गया था। नगर पालिका को नगर पालिका बनाने का आरोप। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी है दिनेश विश्वकर्मा। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, शायद कोतवाली के मेला इलाके का है ये पूरा मामला। अधिशासी अधिकारी पर सभासद ने लगाए हैं गंभीर आरोप। दिनेश विश्वकर्मा पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया गया है। मामले में डीओ लेटर भी शासन को भेजा गया था। नगर पालिका को नगर पालिका नरक पालिका बनाने का आरोप। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी है दिनेश विश्वकर्मा। शहर कोतवाली के मेला इलाके का है पूरा मामला। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अधिशासी अधिकारी दिनेश विश्वकर्मा पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। मामले में डीओ लेटर भी शासन को भेजा गया था। नगर पालिका को नरक पालिका बनाने का आरोप लगाया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अखिलेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? श्वेता जी, आपको बता दें, जैसे यो दिनेश विश्वकर्मा पे तमाम ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं भ्रष्टाचार का, और करीब 4 सालों से बलिया में जमे हुए हैं। कई बार ऐसे कई समाज सेवी कई सभासद हर मीटिंग में बवाल हुआ, इस बार भी किसी स्वच्छता मिशन और चूना ऐसे तमाम भ्रष्टाचार लगे हैं, जिससे सभासद ने जब इससे फूल माला कहा कि हमारे जिले को जो कि बागी बलिया कहा जाता है और ये मंगल पांडे का जगह है, उसी तरह क्रांतिकारी विकास पांडे ने उस मुद्दे को उठाया और उन्हें फूल मालाओं से लादने की कोशिश किया, जिससे यो ने कहा कि ये नहीं होगा। उसके बाद कहा कि नहीं, चूना का जो भ्रष्टाचार लगा है चूना से ही उनके मुंह पे लगा दिया। उसके बाद प्रशासन ने उसे तुरंत हिरासत में लेकर और कोतवाली में बैठा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे।